चकमुच के बाद खेरसोन को लेकर रूस का बड़ा दावा, जिसमें लगातार कहा जा रहा है कि बखमुट इस वक्त सेंट्रिक पॉइंट बना हुआ है। खेरसोन को लेकर यह बड़ा दावा किया गया है। रूसी सेना ने बताया जा रहा है कि ग्राइनिकोवका पर किया है कब्जा। रूसी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता है इगोर कोनाशेंको, उन्होंने ये बड़ा दावा किया है। तो बखमुट के बाद रूसी फौज खारकीव में भी एक बार फिर से जड़े मजबूत कर रही है। इस बार दावा बड़ा है। खारकीव के ग्रानिकोवका में रूसी फौज ने कब्जे का दावा किया। रिपोर्ट के मुताबिक रूसी फौज के वेस्टर्न ग्रुप ने यहां कमांड हासिल कर लिया। ये दावा रूसी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल इगोर कोनाशेंकोव ने किया, जिनके मुताबिक कुप्यांस फ्रंटलाइन के साथ ग्रानिकोवका को यूक्रेनी फौज के कब्जे से मुक्त कराया गया। फरवरी 2022 में ही रूस समर्थित लड़ाकों ने इस इलाके पर कब्जे का दावा किया था। 8 सितंबर 2022 को इस इलाके को यूक्रेनी सेना ने वापस हासिल कर लिया। लेकिन अब करीब 6 महीने बाद एक बार फिर रूसी फौज यहां कमांड हासिल करने का दावा कर रही है। खारकीव वो इलाका है जहां पिछले एक साल से ही नहीं बल्कि साल 2014 से ही रूस और यूक्रेन की सेना के बीच कब्जे की जंग चल रही है। इस दौरान कई बार खारकीव में गोले बम की बारिश हुई, दोनों देशों की सेना के बीच आमने सामने की जंग हुई, लेकिन अब तक इस युद्ध का कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आया।